और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं देवघर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आज देवघर में एयरपोर्ट का उन्हें शुभारंभ करना है। इसी मौके पर वो झारखंड को 16,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। राज्य में एयर, रेल, रोड कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, स्वच्छ ईंधन, ये सब कुछ मुहैया हो सके, इसके लिए ये अहम और कारगर कदम माना जा रहा है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि आज का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम देवघर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करना है, जिसकी सीधी कनेक्टिविटी बाबा बैद्यनाथ धाम से होगी, जो कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। देश भर से यहां पर लोग पहुंचते हैं दर्शन के लिए। इस पूरी परियोजना को 400 करोड़ की लागत से बनाया गया है। यहां पर बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हम सबों के अभिभावक, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके मन में हमेशा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, बच्चों के लिए मैंने दर्द देखा है, एक सांसद होने के नाते, एक उनके कार्यकर्ता होने के नाते, स्कीम वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी 401 करोड़ रुपए है। देवघर में पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर बाबा बैद्यनाथ 75 साल में कोई से सीधी कनेक्टिविटी इस एयरपोर्ट की होगी। बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां पर देश भर से लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा 16,835 करोड़ की परियोजनाओं का भी आधारशिला प्रधानमंत्री आज रखने वाले हैं। देवघर का एक अलग कनेक्शन, बाबा बैद्यनाथ धाम का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इसमें जलसर लेक, शिवगंगा पॉन्ड भी शामिल है और कुल लागत इसे बनाने में 39 करोड़ रुपए की आएगी। लेकिन जब 1934 इसके अलावा एक 250 बेड का अस्पताल देवघर में एम्स आईपीडी के नाम से, आयुष ब्लॉक, ऑपरेशन थिएटर, ये तमाम वो स्कीम है जिनका आज प्रधानमंत्री जायजा लेने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 13 नई रोड्स का भी वर्चुअल तरीके से शिलान्यास किया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत, जिसमें कई हाईवे प्रोजेक्ट, रांची रेलवे टर्मिनल और नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शामिल है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस मौके पर झारखंड के गवर्नर रमेश बायस, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और गोड्डा के एमपी निशिकांत दुबे मौजूद हैं। धन्यवाद। और अब मैं माननीय सांसद चाहता हूं कि आपने महात्मा गांधी की कड़ी को आगे बढ़ा मंदिर का महात्मा ये। इस बीच देवघर की क्या महत्ता है ये बताया जा रहा है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और श्रवण का मेला, यानी कि सावन का जो मेला होता है, वो यहाँ पर खास तौर पर महत्वपूर्ण होता है। जो कि अगले महीने चालू होने वाला हो, चाहे एम्स हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डैम हो, आप नाम लीजिए, केंद्रीय विद्यालय हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो, प्लास्टिक पार्क हो, मैं यदि गिनाता चलूं तो मुझे शायद जो है 15-20 मिनट जो है उसी योजनाओं को लगेगा। आपने 1,00,000 करोड़ से ऊपर की योजना, ये 2014 जो गोड्डा जो मेरी लोकसभा है, आजादी के 75 साल बाद पिछले साल आपके जन्मदिन के ऊपर 17 सितंबर को मैंने जो है वो रेल गोड्डा के लोगों ने देखा, वो रेल देखने के लिए कम से कम लाखों की भीड़ उस गोड्डा स्टेशन में थी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इलाका कितना पिछड़ा था और आपने कितना कुछ किया। इसके अलावा मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए कोई शब्द नहीं है, एक व्यक्ति के नाते मैं आपको नमस्कार ही कर सकता हूं। आप महामानव हैं और आपने जो इस पिछड़े इलाके को दिया वो शायद भूतों न भविष्यति कोई प्रधानमंत्री नहीं दे सकता। आप आए, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।